चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षित चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट का रिजल्ट आ चुका है और अभी कुछ ही दिनों में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप भी 22 में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BSc नर्सिंग हो, वेटनरी हो, आयुष हो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको काउंसलिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, आपको इतनी अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो काउंसलिंग के बारे में जानकारी के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स व उनके पेरेंट्स से नेट पर सर्च करते रहते हैं, कौन सी कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है, हमें कहां पर एडमिशन मिल सकता है। तो एक ही जगह आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है उसमें, और ये जरूरी नहीं है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो स्टूडेंट्स व उनके पेरेंट्स की इन सब परेशानियों को देखते हुए हमने बुक तैयार की है, और ये बुक हम 3 साल से तैयार करते आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स ने इनको काफी लाइक किया है। हालांकि हमने इस बुक का प्राइस जरूर रखा है, लेकिन इस बुक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये प्राइस कुछ भी नहीं है। तो एक जगह हर एक स्टूडेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी इंफॉर्मेशन मिले, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये बुक तैयार की गई है। और ये बुक ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी के जो कोर्सेज हैं, MBBS, BDS, BVSC, BMS, BHMS, BSc नर्सिंग, सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग, इन सब के बारे में इस बुक में सारी जानकारी अवेलेबल है। यानी कि आपको एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक अवेलेबल है और हमें उनको डाउनलोड कैसे करना है, और उन बुक में क्या फैसिलिटी है, ये मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम ऑल इंडिया बुक की बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया बुक में ऑल इंडिया के बारे में जानकारी है, जो 15% ऑल इंडिया कोटा है। उसके बाद में एम्स के बारे में जानकारी है, जिपमर के बारे में जानकारी है, ESIC, DURP इंटरनल, BHU, AMU, डीम्ड यूनिवर्सिटी, AFMC और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में जानकारी है। तो इन सब के बारे में इस बुक में जानकारी दी गई है। अब इनमें टॉपिक कौन कौन से कवर हैं, तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है। 2022 में आपको कैसे चॉइस फिल करनी है, वो चॉइस लिस्ट किस प्रकार से आप प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पर समझाया है। बॉन्ड की डिटेल्स यहाँ पर समझाई है, फीस व कॉलेज के बारे में बताया है, सीट के बारे में बताया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उसके बारे में बताया है। इसके बाद में कुछ इसमें अदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है इसमें। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें और फैसिलिटी है। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है 3 साल की। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस साल कौन सी कॉलेज मिल सकती है इसमें। तो UR और जनरल की जो कैटेगरी है, इसके बाद OBC, EWS की, सभी की अलग अलग कट ऑफ दी गई है। और इसमें राउंड वाइज कट ऑफ भी दी गई है, कौन सी कॉलेज कौन से स्टेट में है, कौन से राउंड में उसकी कितनी कट ऑफ रही थी, ये कट ऑफ इसमें कैटेगरी वाइज दी गई है। तो इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो पिछली बार जिस मार्क्स पर मिला था कॉलेज, इस बार भी उसी मार्क्स पर मिलेगा, क्योंकि जो रैंक अप हुई है तो इतनी सीटें अप हो जाएंगी। तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि पिछली बार जितने मार्क्स पर कॉलेज मिला है, इस बार भी उतने मार्क्स पर कॉलेज मिल सकता है। तो इसमें 3 साल की यहाँ पर कट ऑफ दी गई है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कट ऑफ के बाद में आगे राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, चॉइस लिस्ट दी गई है 2022 के बारे में, चॉइस लिस्ट के बारे में। तो यहां पर चॉइस लिस्ट दी गई है, कौन से इयर्स में कौन सी कॉलेज कौन से स्टेट में है, उसकी ट्यूशन फीस क्या है, और सीरियल नंबर पर उस चॉइस को कैसे फिल करें, एक नंबर पर कौन सा कॉलेज फिल करें, दो नंबर पर कौन सा कॉलेज फिल करें, तीन पर कौन सा, चार पर कौन सा। तो ये आप अपने स्टेट के हिसाब से भी देख कर कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, कॉलेज के एस्टेब्लिश ईयर से भी आप कर सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी कॉलेज पुरानी है, ट्यूशन फीस उसकी कितनी है, ये देख करके भी हम कर सकते हैं। इसमें स्टेट वाइज फीस और सीट्स के बारे में भी बताया है, कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं, क्या फीस है, कौन से ईयर में ये कॉलेज कौन से स्टेट में है। तो इस प्रकार से इसमें ये पूरी जानकारी दी गई है। अब इसमें आगे नेक्स्ट देखते हैं हम
कि इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है ऑल इंडिया का, और एम्स जिपमर वगैरह किस प्रकार से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, किस प्रकार से सेकंड राउंड के रूल्स होंगे, किस प्रकार के मोपअप राउंड के रूल्स होंगे, तो इनके बारे में ये बताया गया है इसमें। इसके बाद में कुछ से इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे मार्क्स वर्सेज रैंक का दिया गया है, हाई फीस के ऑल इंडिया में कौन कौन सी कॉलेज हैं जो आपको च्वाइस फिल करते समय ध्यान रखना है इन कॉलेजों का। इसके बाद में और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में अवेलेबल है। तो ये तो होगी ऑल इंडिया की बात, ये तो मैंने बहुत कुछ बताया है, इस बुक में और बहुत काफी कुछ है। अब स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सेम स्टेट्स में भी इस प्रकार से सारे स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हमने अलग अलग बता दिया है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस, उसकी कट ऑफ क्या रही है, 3 साल की कट ऑफ दी गई है उसके अंदर। इसके बाद में कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, इसमें हर एक स्टेट की च्वाइस लिस्ट दी गई है कि कौन से स्टेट की कौन सी कॉलेज आपको पहले फिल करना है, फीस दी गई है उसमें। इसके बाद में सीट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस अलग अलग होता है, तो वो काउंसलिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताया गया है, और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी इस बुक में दी गई है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं कि स्टेट वाली बुक में क्या दिया गया है। तो स्टेट वाइज दिया गया है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल राजस्थान का ही देख लेते हैं, तो पहले राजस्थान, फिर इस प्रकार से बाकी सारे स्टेट का दिया गया है। इसमें कितनी सीटें हैं, क्या ट्यूशन फीस है, कौन कौन से कैंडिडेट के लिए कितनी ट्यूशन फीस रहेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कौन सी कॉलेज कौन से ईयर में बनी है, उसमें सीट कितनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कहां पर ये कॉलेज है, टोटल सीट कितनी है, तो इस प्रकार से इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम बात करें इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही थी, सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या रही थी, तो ये 3 साल की कट ऑफ दी गई है इसमें। इसके अलावा इसमें सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी दी गई है, हर एक स्टेट के बारे में सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी दी, कौन से स्टेट में कितना सर्विस बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। ये स्टेट में जितना सर्विस बॉन्ड है वो तकरीबन ऑल इंडिया में उतना ही सर्विस बॉन्ड है। अब हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर अलग अलग है, तो कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इन सब के बारे में स्टेट की बुक में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से स्टेट की बुक में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी प्रकार से आयुष और वेटनरी की बुक में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताई है ऑल इंडिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें। आयुष की ऑल इंडिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वेटनरी की भी ऑल इंडिया की इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। कौन से ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन से एडेड कॉलेज हैं, उनके बारे में ये सारी जानकारी इस बुक में दी गई है। ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, NIA जयपुर वगैरह शिलोंग, तो इस प्रकार से डीम्ड यूनिवर्सिटी की जानकारी भी दी गई है। और टॉपिक इसमें भी सेम वही है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, 3 साल की राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, 2022 में आपने कैसे च्वाइस फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, फीस क्या है कॉलेज वाइज, सीट क्या है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, अदर इंफॉर्मेशन भी इसमें अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आयुष और वेटनरी की काउंसलिंग में भी ये सब कुछ अवेलेबल है जो आप जानना चाहते हैं। अब हम बात करें आगे कि आपको ये डाउनलोड कहां से करना है, तो आप इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको इस प्रकार का लिंक मिलेगा, इस प्रकार के अगर आप जैसे ऑल इंडिया की परचेज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेमेंट लिंक पर पहुंच जाएंगे, पेमेंट करके आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, ये बुक आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो इस प्रकार से आप वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं, इसमें यहाँ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस ड्रॉप डाउन पर आपको टिक करना है। तो जैसे ही टिक करोगे तो इस प्रकार का लिंक ओपन हो जाएगा। ये जब इस प्रकार का लिंक ओपन हो गया तो ये ब्लू में जो दिए गए हैं ये लिंक है बुक के, यहाँ इन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे, इसको डाउनलोड करते समय आपको मोबाइल नंबर देने हैं और अपना नाम और ईमेल एड्रेस देना है। तो जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, और आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फायदा आपको ये रहेगा कि हर एक
काउंसलिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह सारी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जो इसका प्राइस है इस बुक को देखते हुए ये नए के बराबर है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सारी इन्फॉर्मेशन है और हमने इसको तैयार करते समय काफी मेहनत की है, तो मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट के लिए ये काफी लाभदायक होगी और स्टूडेंट को इनका फायदा भी उठाना चाहिए इसमें। अब हम आगे जैसे भी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, स्टेट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये बुक आपको पसंद आती है, तो आप इसमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के बारे में हर एक जानकारी हम लेकर के आते रहते हैं समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट न जाए। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।